प्रोसीजर होएगा, दैट विल बी लाइक दिस, के जब मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट करवाऊं और आपसे पूछूं कि बेटे आपको समझ आया, हैव यू अंडरस्टूड, इज इट क्लियर टू यू, अगर आपको समझ आया होगा तो आप अपना राइट हैंड रेज करोगे, और अगर नहीं समझ आया होगा तो स्पीकर ऑफ कर दो, अगर नहीं समझ आया होगा आप लेफ्ट हैंड रेज करोगे, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना अपने दोस्त की तरफ देखे हुए कि मेरे दोस्त का कौन सा हाथ खड़ा हुआ, राइट। इन केस आई आस्क यू कि हैव यू अंडरस्टूड दिस, और अगर आपको समझ आ गया तो यू विल रेज द राइट हैंड जिससे आप लिखते हो, अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड, ठीक है। शाबाश बेटे, ये कौन सी क्लास है, इसका डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है, कौन सा? एट्थ एफ बेटे, एट्थ एफ, प्लीज मेंटेन द साइलेंस, आपकी तरफ से थोड़ी आवाज आ रही। अच्छा, थैंक यू। सो बच्चे, हमारा चैप्टर का नाम कौन सा है, कैन यू रीड इट फॉर मी, कैन यू रीड इट, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। सो आज का डेट लिखा है हमने, और उसके बाद मेरा नाम है बेटे धीरज वशिष्ठ, तो मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा और थोड़ी सी असाइनमेंट करेंगे। दूसरी बात, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं कोई भी आर्टिकल के अंदर के पॉइंट सीरियल वाइज लिखा करता हूं, लर्निंग पॉइंट वन, लर्निंग पॉइंट टू, लर्निंग पॉइंट थ्री। ऐसा क्यों करता हूं, मान लो किसी बच्चे को पूरे आर्टिकल में से सिर्फ थर्ड लर्निंग पॉइंट नहीं समझ आया, तो वो बच्चा बोल सकता है सर थर्ड पॉइंट इज नॉट क्लियर, और किस आपको टीचर से दोबारा पूछने का तरीका पता क्या होता है बेटे, सर आई बेग योर पार्डन, सेंटेंस प्रोफेशनल सेंटेंस, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी बनानी है, सर आई बेग योर पार्डन, पी ए आर डी ओ एन, आई बेग योर पार्डन, थर्ड पॉइंट इज नॉट क्लियर टू मी, ओके। ऐसे ये प्रोफेशनल तरीका होता है ताकि हम अपनी पर्सनालिटी को ग्लोबल बना सकें, कहीं भी हमारी कंपेटिबल, आवर पर्सनालिटी शुड बी कंपेटिबल टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, फाइन। तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी से लिंक्ड कुछ चीजें दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सीइंग अपरेटस, लिंक्ड टू इलेक्ट्रिसिटी, देखो बच्चे कुछ चीजें दिखाऊंगा, बाकी ज्यादा बाद में दिखाएंगे। तो जूम, मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको जरा ज्यादा विजिबिलिटी मिल जाए। शाबाश, सभी बच्चों को इस वक्त ज्यादा वाइडर व्यू दिखेगा, और अगर आपको उसका नाम पहले ही पता हो तो आपने बताने की कोशिश करनी, व्हाट इज दिस, एनीबॉडी, बैटरी, इसको बोलते हैं, इसका प्रॉपर नाम बेटे, आप लोग मार्केट में इसको सेल बोलते हो, हम साइंस की लैंग्वेज में इसको ड्राई सेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ड्राई सेल। आपको पता है इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर होता है या नीचे होता है, पॉजिटिव पर इन टर्मिनल बिल्कुल सेंटर में टॉप पर होता है बेटे, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और इसके बॉटम पे ये नेगेटिव टर्मिनल होता है बच्चे। और किसी बच्चे को अगर चेक करना हो तो आप साइड, सेल की साइड पे देखो, सेल की साइड पे यहाँ ऊपर पॉजिटिव लिखा होता है और बिल्कुल नीचे नेगेटिव। मैं और जूम करके दिखाता हूँ, क्या पता आपको दिखे। बेटे आपको पॉजिटिव दिख रहा है या नहीं दिख रहा, थोड़ा ब्लर्ड हो गया, इतना ज्यादा जूम नहीं हो पा रहा, चलो कोई बात नहीं।
तो आप मेरी कहने पे मान लीजिए, ऊपर वाला पॉजिटिव, ये सेंटर से पॉजिटिव होता है सिर्फ, और ये पूर नीचे नेगेटिव। किसी बच्चे को पता है इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज कितना होता है इसका? 20 वोल्ट। सारे बच्चे पेन कॉपी लेके रखो बेटे, जो भी नया पॉइंट पता लगता है आप लिखो। इसका जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ठीक है? कितना? 1.5 वोल्ट। इसका नाम क्या बताया टीचर ने? ट्राई सेल। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें करंट देता है। लिख लो, ट्राई सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। राइट डाउन एवरीबॉडी, ट्राई सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड प्रोवाइड अस इलेक्ट्रिक करंट, एंड प्रोवाइड अस इलेक्ट्रिक करंट। ओके, समझ आया बेटे? और इसका सेंटर वाला लिख लो, टॉप सेंटर इज पॉजिटिव टर्मिनल। लिखो, टॉप सेंटर इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड बॉटम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ट्राइसेल। अच्छा, एक चीज और बताओ मेरे को। मैं अभी आपको एक और सेल दिखाता हूं, वो क्या चीज है? दिख रहा है आपको बेटे? ये क्या चीज है? ये भी ड्राई सेल है। इसका भी सेंटर पॉजिटिव होता है और बॉटम नेगेटिव होता है, और इसका 1.5 वोल्ट ही होता है ईएमएफ। ईएमएफ बोल दो, या वोल्टेज, या पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, या वोल्टेज बोल दो, कितना होएगा? 1.5 वोल्ट। ये इसको मार्केट में जब हम खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? पेंसिल सेल। क्या बोलते हैं बेटे? पेंसिल सेल। अब इन दोनों में फर्क क्या है, कोई बताएगा? इन दोनों में, दोनों 1.5 वोल्ट देते हैं, तो जो पहले वाला है ना, बड़े वाला, ये ज्यादा दिनों तक चलता है और ये कम दिनों तक चलता है। कैसे पता लगता है कोई बैटरी या कोई सेल ज्यादा दिनों तक चलेगा? अगर उसको आप गहराई से, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ोगे, तो आपको एक टर्म मिलेगी। उस टर्म का नाम है, ये नाम है बेटे, उसका नाम देखो, ए एच। इसका मतलब होता है अम्पियर आर। क्या होता है? लिख लो, ए एच वैल्यू मीन्स अम्पियर आर। ए एच वैल्यू क्या होती है बेटे? अम्पियर आर। जिस सेल की अम्पियर आर ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा बड़ी वैल्यू की होती है, वो ज्यादा दिनों तक चलता है। तो आप मेरे को बता सकते हो, मोटे वाले सेल का अम्पियर आवर ज्यादा अच्छा होएगा या पेंसिल सेल का? मोटे वाले। दिस वन विल हैव लार्जर क्या? अम्पियर आवर कैपेसिटी। ओके, अब मैं अपने बच्चों को एक और चीज दिखाने लगा हूँ, आपने इसका नाम बताना है, क्या कह सकते हैं इसको हम? ध्यान से देखना, ये दिस वन। बिल्कुल सही, ये होती है कॉपर वायर। कॉपर वायर, कॉपर बहुत ही अच्छा बिजली कंडक्टर। सेक्शन नंबर एफ में बेटे थोड़ा सा साइलेंस दो यार, सेक्शन। तो हमने क्या देखा कि इसमें ये कॉपर वायर है, इसमें बहुत ही आसानी से करंट निकल जाता है। आपको पता है कॉपर से भी ज्यादा अच्छा किसमें करंट निकलता है? कॉपर से भी बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन सा होती है? मेटल। सिल्वर। सिल्वर से भी बेटर कौन सी होती है?
सिल्वर से भी मेटल अच्छी होती है एक, गोल्ड। गोल्ड। शाबाश। तो जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं वो इनसे भी मेटल होती हैं, इनसे भी बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, इनसे मतलब कॉपर से बेटर, लेकिन वो एक्सपेंसिव मेटल्स हैं, हम उनको नहीं यूज कर पाते, कुदरत में उनकी अवेलेबिलिटी कम है। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे हाथ में क्या चीज है। दिस वन, व्हाट इज दिस? पेंसिल। पेंसिल। अगर ये लकड़ी की बनी हुई है इसमें से करंट निकल पाएगा क्या? नो। नहीं बेटे, अगर ये प्योर लकड़ी की होती तो करंट नहीं निकल पाता। जो इसके अंदर जिसको आप सिक्का बोलते हो वो ग्रेफाइट का बना होता है। किसका? तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। अगर ये पेंसिल को हम दोनों तरफ से शार्पन कर दें, चील दें, ग्रेफाइट का लेड दिखे, देखो एक तरफ से टूट गया एक तरफ से निकला हुआ है, तो ये इसमें से भी बिजली निकल पाती है। तो लिख लो, ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल बट इट इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। लिख दो, शाबाश। ग्रेफाइट लेड ऑफ द पेंसिल इज ए नॉन मेटल बट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इसमें से भी बिजली निकल जाती है अगर ग्रेफाइट के दोनों किनारों पर बैटरी लगाएंगे और बल्ब लगाएंगे तो जगेगा। अच्छा, कोई बच्चा मेरे को ये बता सकता है ये क्या होता है? ये क्या चीज है? देखो ये क्या चीज है? आयर आयर ये भी कॉपर वायर है, लेकिन फर्क क्या है इसमें और पुराने वाली में? इस वाली में ये व्हाइट कलर की स्लीव चढ़ा रखी है, ताकि कोई बंदा अगर इसको गलती से पकड़ भी ले और इस वायर में करंट जा रहा हो तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो आप इसको लिखो, स्लीव, SLEEVE, SLEEVE, स्लीव ओवर दी कॉपर वायर, स्लीव ओवर दी कॉपर वायर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक इफ वी टच इट एक्सीडेंटली, अगर हम अचानक चेक कर लें। फिर से लिखो, स्लीव ऑन दी कॉपर वायर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक इफ वी टच इट एक्सीडेंटली। अच्छा, अब देखते हैं कौन बच्चा बताता है। ये देखो मेरे हाथ में ब्लू कलर के फूल के ऊपर एक और, पहले तो ये कागज का फूल लगा हुआ है प्लास्टिक का, उसके आगे कुछ चीज लगी हुई है, बताओ क्या चीज है? एलईडी एलईडी शाबाश, एलईडी। कौन बच्चा एलईडी की फुल फॉर्म बताएगा? लाइट एमिटिंग वेरी राइट, लिखो कैपिटल लेटर, कैपिटल लिखने, शाबाश। एलईडी, लाइट अमिटिंग डायोड। मैं अपने बच्चों की कन्वीनियंस के लिए बोर्ड पे भी लिख देता हूँ, शाबाश, LED। इसका नाम हो गया बेटे लाइट अमिटिंग डायोड। ये कौन से मटेरियल का बना होता है, किसी को पता है? इसका नाम लिखो, लिखो, LED कंसिस्ट ऑफ, शाबाश। इसके एलईडी कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज, लिखो उसका नाम, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड। ये क्या है बेटे, सामने क्या लिखोगे इसके? कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ एलईडी। तो मेरे बच्चों को टीचर ने क्या दिखाया? इलेक्ट्रिसिटी से लिंक्ड थोड़ा बहुत अपरेटस दिखाया।
अगर मैं सारा दिखाने में आऊं तो 2 दिन लग जाएंगे, 2 लेक्चर लग जाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा दिखाया अभी। आपको ये समझ आया बेटे सारा अपरेटस का नाम? राइट हैंड लेफ्ट हैंड। मैंने कैसे बोला था? इफ यू हैव टू से यस रेज योर राइट हैंड। हैव यू अंडरस्टूड अपरेटस? वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात। अब हम लेक्चर पे बात करेंगे। शाबाश। ये जो भी हमने लिखा है उसके ऊपर हेडिंग क्या दे देना आपने? इंट्रोडक्शन। जो भी हमने अभी तक कॉपी पे नोट लिखा है उसका हेडिंग पे क्या लिखोगे? सब इस आर्टिकल का हेडिंग क्या बनाओगे जो भी हमने लिखा है कॉपी पे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चे आगे। टीचर का नाम तो पता लग गया होगा आपको। शाबाश, सभी बच्चे डेट डाल दें। लो बेटे, सबसे पहले हम बोलने लगे हैं लर्निंग पॉइंट वन। लर्निंग पॉइंट वन, थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स, सबसे पहले फंडामेंटल क्या होता है बच्चे? जैसे मैं एक बच्चे को पकड़ा और देखा कि ये चोरी कर रहा है बच्चा। क्लास में नहीं, सड़क पे जो रैग पिकर्स होते हैं वो चोरी कर रहा है, किसी की मैरिज में से थैला उठा के भाग रहा है बच्चा। तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने देखा कि इतना छोटा बच्चा चोरी की कैसे आदत पड़ गई। तब पता लगा कि उस बच्चे को तो कभी स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, वो तो बहुत गरीब है, उसको टीचर्स ने कभी समझाया ही नहीं कभी चोरी करना बुरी बात है, ये है वो है। तो मतलब उस बच्चे की पर्सनैलिटी के जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उसके, यानी कि जो फंडामेंटल्स हैं उसके, वो कमजोर हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आपको बताता हूं कि जितने भी दुनिया में मटेरियल हैं वो तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बने होते हैं। जितने भी हमारा शरीर भी, और डेड चीज हो या लिविंग हो, ये टेबल भी, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो नहीं दिखते, ये पक्षी परिंदे सब कुछ, हवा भी, सब के सब तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बने होते हैं। फंडामेंटल क्यों बोला? क्योंकि हर चीज इसी से बनती है। कोई बच्चा बता सकता है इन तीनों के नाम क्या है बेटे? एक को बोलते हैं, मैं सिंबल, एक को ई से लिखते हैं, एक को पी से लिखते हैं, एक को एन से लिखते हैं। ई का मतलब होता है, लिखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन। क्या होता इलेक्ट्रॉन्स। है? लिख लो। पी का मतलब होता है प्रोटॉन। एन का मतलब होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। जैसे मैं किसी बच्चे को बोल दूं इस बिल्डिंग के फंडामेंटल मटेरियल क्या है, आप कहोगे सर सीमेंट, ईंट और सरिया, ये तीन तो आपको लेने पड़ेंगे, सीमेंट, ईंट, सरिया और रेता, क्योंकि हर बिल्डिंग उसी की बनेगी, बेसिक से डिजाइन आप अलग अलग बना सकते हो। इसी तरह से दुनिया का हर मटेरियल फंडामेंटल पार्टिकल का बना होता है, और साइंटिस्टों ने पता लगाया कि वो फंडामेंटल पार्टिकल तीन होते हैं। ठीक है, और अगली बात, ये फंडामेंटल पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर क्या होता है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, चार्ज चार्ज होता ही नहीं है न्यूट्रॉन के ऊपर। लिख लो, शाबाश। ठीक है, आज जब हम करंट की बात करते हैं, करंट की, तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए होती है, इसलिए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लर्निंग पॉइंट तो यही था कि हमारे पास तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। अब आ गया सेकेंड लर्निंग पॉइंट। सेकेंड लर्निंग पॉइंट में क्या है बेटे?
सेकेंड लर्निंग पॉइंट में हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, अबाउट इलेक्ट्रॉन। क्या बात करेंगे उसके बारे में? पहली बात, उसका सिंबल क्या होता है? सिंबल हम बता चुके हैं कि उसका सिंबल स्मॉल ई होता है, ओके। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट का फायदा लेते हैं, डॉट का, ठीक है। दूसरी बात, उसके ऊपर पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी का मतलब होता है उसके ऊपर चार्ज कौन कौन सी टाइप का है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये भी हम बता चुके हैं, राइट। फिर हम देखेंगे वो पार्टिकल कितना मास है उसका, इलेक्ट्रॉन का जो मास है हमेशा याद रखना है 9.1 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम। समझदार बच्चे ने याद कर लिया होगा, फिर से बोलता हूं, 9.1 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, जो नेगेटिव वाला होता है वो भी याद रखना है, वो होती है बेटे 1.6 × 10⁻¹⁹ क्यूलम, CoulOmb क्यूलम। केजी का क्या मतलब बताया था टीचर ने? किलोग्राम। गॉट इट? ये चार चीजें आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में जरूर याद होनी चाहिए और अभी याद हो जानी चाहिए, जिंदगी भर काम आएंगी। 1.6 × 10⁻¹⁹ क्यूलम, ओके। शुड बी मूव फर्दर? यस, वी शुड मूव फर्दर। नाउ बेटे थर्ड लर्निंग पॉइंट, थर्ड लर्निंग पॉइंट, आप देखते हो कि अगर मैं यहां पर एक वायर लेके आया और इधर से एक वायर लेकर आया और इस वायर को आगे मैंने यहां से ऐसे जोड़ दिया, मैं बताता हूं क्या चीज है ये, फिर ऐसे लंबी लाइन छोटी लाइन, लंबी लाइन छोटी लाइन, लंबी लाइन छोटी लाइन, और फिर आगे जोड़ दिया। अब ध्यान से देखना जरा, अगर एक बार लंबी लाइन लगाऊं और एक बार छोटी लाइन लगाऊं तो लंबी लाइन को बोलते हैं पॉजिटिव, छोटी लाइन को बोलते हैं नेगेटिव। और ये किसका सिंबल होता है? सेल का होता है। कौन सा सेल? जो अभी अभी दिखाया था सर ने आपको, ओके, कोई भी सेल हो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे काफी बार ले लें, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और 3 से ज्यादा बार भी हो सकता है, तब हम इसको बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं बेटे? बैटरी। तो बैटरी और सेल दोनों करंट देते हैं, लेकिन बैटरी ज्यादा दे सकती है और इसमें काफी सारे सेलों को सीरीज में लगाया होता है, तो बैटरी इज ए, लिखते जाओ शाबाश, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अच्छा, अब ये क्या चीज है? ये वाली, ये चीज होती है, इसको नीचे दबा देंगे तो सर्किट ऑन हो जाएगा, ऊपर उठा देंगे तो ऑफ हो जाएगा, तो हम इसको जोड़ देते हैं नीचे दबा के। इस वक्त ये ऑन है और इसको बोलते हैं, के से लिखते हैं, और के का मतलब होता है की, के का क्या मतलब होता है? की। और इसको आप दूसरा नाम भी दे सकते हो, ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ स्विच भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बना रहे हो ना सारे बच्चे साथ के साथ? सर यस। यस, हमेशा याद रखना है जो करंट होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में वापस एंटर करता है बैटरी में, ओके। और करंट के सिंबल को आई से लिखते हैं, कैपिटल आई से। आई का क्या मतलब होता है बच्चे? इलेक्ट्रिक करंट। और इस करंट को मापने के लिए कि ये ज्यादा है या कम है, कौन सी यूनिट यूज होती है इसकी? यूनिट, उसको कैपिटल ए से लिखते हैं, उसका नाम होता है एम्पियर। अगर कोई बंदा बोले इस वायर को हाथ मत लगाना, इसमें 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, 10 एम्पियर, तो मैंने लगाया हाथ, करंट लगा,
लेकिन दूसरे बच्चे ने बोला इसको हाथ लगा के दिखाओ, तो मैंने जब उसको हाथ लगाया तो और भी जोर से करंट लगा, तो जिस वायर से ज्यादा जोर से करंट लगेगा उसमें ज्यादा एम्पियर का करंट जा रहा है। ओके, यानी कि सेकंड वाली वायर में 10 एम्पियर से ज्यादा करंट जा रहा है। तो किसी भी चीज को मापने के लिए यूनिट होता है, इसी तरह से करंट को मापने के लिए एम्पियर यूनिट होता है। गॉट इट? अब इसको मापता कौन है सर? ये जो कॉप ये वाली जो जा रही है, ये क्या चीज है? पहले तो ये है कॉपर वायर, COPPER, कॉपर वायर, टीचर ने अभी अभी आपको दिखाई भी थी। और इसमें करंट जा रहा है, उसको कौन माप के देता है हमें? एक डिवाइस होती है ऐसे, उसमें पॉइंटर लगा होता है जो हिलता रहता है, उस पॉइंट डिवाइस को बोलते हैं, सर्कल में लिखते हैं उसको एमोमीटर। एमोमीटर, एमोमीटर क्या करता है बेटे? ये माप के देता है कि करंट कितने एम्पियर जा रहा है। मेशर्स करंट। पिछले साल एक बच्चा था मेरा, वो भूल जाता था सर ये एमीटर, मेरे को भूल जाता है इसका काम क्या होता है। तो मैंने उसको बोला देखो बेटे ये जो एमोमीटर वर्ड है ना इन्होंने बनाया, एमोमीटर बेसिकली ये दो वर्डों को मिलाकर बनाया है, एम्पियर उठा लिया और मीटर उठा लिया। मीटर क्या होती है? कोई भी चीज मापने वाली चीज, मापने वाला भी इंस्ट्रूमेंट। एम्पियर वर्ड क्या होता है? यूनिट होता है, वहां से एम उठा लिया, तो एम और मीटर दोनों को मिलाकर एम मीटर बना दिया। इसलिए करंट मेजरिंग डिवाइस को क्या बोलते हैं? एमोमीटर। क्या बोलते हैं बेटे? शाबाश। मीटर। अब आगे देखते हैं, अगर यहां पर मैं एक छोटा सा ऐसे लगा दूं बल्ब, जिसको हम LED बोलते हैं, लाइट अमिटिंग डायोड, ये तभी ग्लो करेगा अगर इसमें से करंट गुजरेगा। ओके, पर क्या अभी कोई बच्चा बता सकता है ये ग्लो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। यस करेगा। करेगा, क्योंकि यहां से सर्किट ओपन है, अभी पूरा क्लोज रास्ता बनना चाहिए करंट के लिए, तब फ्लो करता है। अच्छा, तो मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, मैंने एक्स और वाई दो टर्मिनल जहां से ओपन है ये सर्किट, वहां पर मैंने एक मटेरियल लगा के रख दिया, और उस मटेरियल का नाम है छोटी सी लकड़ी की फट्टी, वुड, वुड लकड़ी को रख दिया। तो बताओ ये एलईडी ग्लो करेगा या नहीं करेगा? No. करेगा, क्योंकि लकड़ी में से करंट जाता है कि नहीं जाता? नहीं नहीं जाता। जाता। जिस चीज में से करंट नहीं जाता उसको बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? तो इंसुलेटर। लर्निंग पॉइंट क्या हुआ? इंसुलेटर डज नॉट अलाउ, इंसुलेटर डज नॉट अलाउ फ्लो, लिख लो, फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ओके, अब एक बात और बताओ, मान लो मैंने इस जगह पर लकड़ी हटा दिया और एक्स और वाई को टच करता हुआ मैंने एक प्लास्टिक का पेन रख दिया बच्चे, प्लास्टिक का पेन। अब बताओ एलईडी ग्लो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। इससे हमें क्या पता लगा प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है या नहीं है? शाबाश, इंसुलेटर है। इंसुलेटर है। तो इसका मतलब प्लास्टिक भी इंसुलेटर है, क्योंकि दोनों ही केसेस में एलईडी डज नॉट ग्लो, डजंट ग्लो, जगेगा नहीं, इसमें भी और इसमें भी, डजेंट, एलईडी डजेंट ग्लो। देखिए किसी बच्चे की मेमोरी, किसी भी बच्चे ने अपनी कॉपी नहीं देखनी और मेरे को बताओ एलईडी का कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या था? देखना नहीं है, कॉपी नहीं देखनी, बताओ क्या था? हीलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड। फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, इसका बना होता है। अच्छा, एक चीज और, अब मेरे को बच्चे बताओ
अगर मैं यहां पर एक लोहे की कील रख दूं दोनों तरफ टच करती हुई, एक्स और वाई पॉइंट को टच करती हुई, आयरन नील, एलईडी ग्लो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। इस बार करेगा। तो हमने जब इसको ग्लो करते दिखाना है तो इसमें से लाइट निकलती हुई दिखानी है। देखो यहां नहीं मैंने दिखाई लाइट निकलती हुई, तो आप कहोगे एलईडी ग्लोज। इसका मतलब क्या है? आयरन क्या चीज है? इंसुलेटर है या नहीं है? नहीं नो है। जिसमें से करंट गुजर जाता है, कंडक्ट कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर। इसका मतलब आयरन इज ए कंडक्टर, आयरन इज ए कंडक्टर। ठीक है, इज दैट क्लियर? सर। अब हम इस चीज पे अगले आर्टिकल में इस चीज पे बात करेंगे कि कोई चीज कंडक्टर होती है तो क्यों होती है, और कोई चीज इंसुलेटर होती है तो क्यों होती है, और क्या किसी इंसुलेटर को कंडक्टर बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। लेकिन आगे चलने से पहले टीचर अपने प्यारे प्यारे बच्चों से ये पूछ रहा है कि जो रेड बाउंड्री के अंदर लिखा हुआ लर्निंग पॉइंट नंबर वन आपको समझ आया या नहीं आया? रेज योर प्रॉपर हैंड। शाबाश, ज्यादातर बच्चों का और सभी का राइट हैंड खड़ा। ओके, सेकंड लर्निंग पॉइंट मेरे बच्चों को जो बाउंड्री में है, समझ आया या नहीं आया? यस वेरी गुड। थर्ड वाला पॉइंट जिसमें टीचर ने क्या लिखन, क्या है इसका हेडिंग लिख दो थर्ड वाले का, हाउ टू फाइंड एन इंसुलेटर और कंडक्टर। इंसुलेटर और कंडक्टर कैसे पता लगती है कोई भी चीज? इस तरह से सर्किट बनाना पड़ता है। क्या मेरे बच्चों को थर्ड पॉइंट समझ आया बच्चे? गुड सर। जॉब। इसमें से सबसे मुश्किल वाला पॉइंट है ये, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड, जो आपने जिंदगी भर नहीं भूलना, इसके बिना आपका गुजारा नहीं है बेटे, प्रैक्टिकल लाइफ, आने वाली क्लासों में भी। ठीक है, तो टीचर इसको इरेज कर दें। कुछ पूछना तो नहीं है बेटे? हैव यू एनी डाउट टू आस्क? ओके, और अगर टीचर से पूछना होता है क्या तरीका होता है? सर आई बेग योर पार्डन। अच्छा, अब बाकी क्लासों में जब टीचर आपकी क्लास लेंगे ना, तो उनसे ऐसे ही पूछना। मान लो हिस्ट्री वाले मैम है, उनका थर्ड पॉइंट नहीं समझ आया आपको, मैम आई बेग योर पार्डन, पॉइंट फोर्थ इज नॉट क्लियर टू मी, तो मैम इतने खुश रहेंगे, या वेरी गुड प्रोफेशनल वे टू आस्क द थिंग्स। ओके, जरूर पूछेंगे कहाँ से सीखा। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करना क्लास में। हम बेटे अब आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छे, ये तो आपको टीचर का सर का पहले ही दिन समझ आने लग गया। जब मैं आपकी उम्र में था ना छोटा सा, जब, तो मेरे को तो पहले दिन यही पता लगता था कि टीचर बोलते कैसे हैं, उनकी आवाज कैसी है, उनकी हैंडराइटिंग गंदी है कि अच्छी है। मेरी हैंडराइटिंग कैसी है, गंदी कि अच्छी। अच्छी? वाह, मजा आ गया। मेरी हैंडराइटिंग अच्छी, वेरी गुड। आज जाके मैं बताऊंगा फैमिली मेंबर्स को कि मेरे बच्चों को मेरी हैंडराइटिंग पसंद आ गई। 10 में से कितने मार्क्स मिलेंगे हुए मेरे को हैंडराइटिंग में? अच्छी। 7 मार्क्स आए। हाय, काश काश मेरे 8 मार्क्स आ जाते। चलो कोई बात, अब हम अगला आर्टिकल करते हैं। इस आर्टिकल में हम बात करने लगे हैं बेटे, कौन सी बात करने लगे हैं हम? ऐसे ध्यान से सुनो, वाई बॉडीज आर इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स। हेडिंग लिख दो, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स। ये वाला हमारा आर्टिकल,
ठीक है, देखो ध्यान से। मान लो हमें इस चीज का नाम नहीं पता जो मैंने एक्स और वाई पॉइंट के बीच में फिट कर दी। मेरे को ये नहीं पता कि ये लकड़ी की रॉड है या लोहे की रॉड है या कॉपर की रॉड है या एल्यूमिनियम की रॉड है या प्लास्टिक की रॉड है, आई डोंट नो। पर मैंने क्या किया, यहां से कॉपर की वायर लगाई, एमीटर लगाया, ऑन ऑफ की लगाई और बैटरी लगाई और दूसरी तरफ से इधर से इस कॉपर वायर को जोड़ दिया। मैंने अपनी तरफ से सर्किट क्लोज कर दिया। जो सर्किट कहीं से भी टूटा ना हो उसको बोलते हैं क्लोज सर्किट, और कहीं से भी टूटा हो, जैसे जैसे चाहे बैट ये स्विच ही ऑफ क्यों ना हो तो भी हम इसको ओपन सर्किट बोलेंगे। लेकिन मैंने ऑन किया है और ये बैटरी होगी, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, अब मान लो ये लोहे का पीस है। अगर ये लोहे का पीस है तो सभी बच्चे मानेंगे कि सर आपका लगा हुआ रेड कलर का एलईडी ग्लो करेगा। ठीक है, तो बच्चा मेरे से पूछेगा, सर एक बात बताओ, लोहे का पीस लगाने से ये कैसे ग्लो कर जाता है, अगर लकड़ी का पीस लगाएंगे ये क्यों नहीं ग्लो करता, ये बताओ मेरे को। तो टीचर ने बोला, बेटे लकड़ी इंसुलेटर होती है और जो लोहा होता है वो कंडक्टर होता है। बच्चा कहता, नहीं नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इनके अंदर क्या होता है ऐसा कि लकड़ी से ये एलईडी ग्लो जगता नहीं है, और आयरन का पीस लगा दो, कॉपर का पीस लगा दो तो ये जलता है। ऐसी क्या चीज आ जाती है? फिर सुनो ध्यान से। फिर टीचर ये कहता है, बेटे नेचर जो होती है ना, नेचर कुदरत, उसने अलग अलग मटेरियल बनाए हैं, हैड मेड डिफरेंटली नेचर्ड मटेरियल, डिफरेंटली नेचर्ड मटेरियल। मैंने कहा समझ आया? बच्चा कहता है, नहीं नहीं सर अंदर से बताओ ये क्या बात है, ये तो मेरे को पता ही है, लकड़ी अलग है कॉपर अलग है, अंदर की बात बताओ क्या होता है। फिर मैं उसको बताता हूँ, बेटे जो भी कंडक्ट मटेरियल होता है उसमें तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते ही होते हैं। बच्चा कहता है, हाँ जी सर होते हैं, आपने बताया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, फिर अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये किसी मटेरियल में, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इन ए मटेरियल क्या हो सकते हैं, दो चीजें हैं, एक तो वो लेस हो सकते हैं, मे बी लेस और मोर, किसी मटेरियल में वो कुदरत ने ज्यादा दिए होते हैं या किसी में कम होते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मे बी फ्री और बाउंड, किसी मटेरियल में ये आजादी से घूम फिर सकते हैं और किसी में ये बंधे होते हैं। बच्चे करेक्ट, किसी में बंधे होते हैं और किसी में घूम फिर सकते हैं। हमने बैटरी लगाई, अगर तो ये फ्री होएंगे तो कंडक्टर होएगी ये चीज, इलेक्ट्रॉन अगर इसमें इधर उधर मूव कर सकते हैं तो कंडक्टर होएगी, और अगर फ्री होने के साथ साथ उनकी गिनती भी ज्यादा है, नंबर भी ज्यादा है, क्वांटिटी भी ज्यादा है, तो वो गुड कंडक्टर होंगे। ठीक है, इसका मतलब ध्यान से सुनना, अगर टीचर कॉपर की बात करता है, सिल्वर की बात करता है, गोल्ड की बात करता है, एल्यूमिनियम की बात करता है, इनके सिंबल याद होने चाहिए, सबसे ऊपर कौन सा है, गोल्ड, दूसरे वाला कौन सा बेटे, सिल्वर, तीसरे वाला कॉपर, चौथे वाला एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर है और सबसे सस्ती मेटल है, ये सारे के सारे आर वेरी गुड कंडक्टर, वेरी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। और मैं बताना चाहूंगा जिसके अंदर से आसानी से करंट गुजर जाए वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, और जो एक किनारे से गर्म होने पर दूसरा किनारा भी जल्दी गर्म हो जाए वो थर्मल कंडक्टर होता है।
ऐसा देखा गया कि जो मटेरियल इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर आल्सो फाउंड एज गुड थर्मल कंडक्टर्स, लिख लो। तो ये कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स क्यों हैं? व्हाई सो? आपने इसका दो कारण लिख देने हैं। क्या चीज? एक तो ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा गिनती में होंगे इनमें, दूसरा ऊपर से फ्री भी होंगे। तो आप लिखोगे बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इन नंबर इनमें, और दूसरी बात इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव करेंगे। अब मान लो कोई बच्चा मेरे को कहता है कि सर थोड़ी देर के लिए हम कंसीडर करते हैं कि मान लो ये वाला जो मटेरियल है ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की रॉड है, तो आप बताओ कैसे मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, टीचर ने अभी अभी आपको इलेक्ट्रॉन की पोलैरिटी क्या बताई थी, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। आप देखो इधर नेगेटिव है ना, ये इधर से नेगेटिव आया ना बैटरी का, और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव उस नेगेटिव से रिपल्शन मिलती है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, ये उधर भागेगा इधर भागेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। लेकिन अगर नेगेटिव और पॉजिटिव हो तो अट्रैक्ट। आपने कभी देखा होगा कि क्लास में एक गुड़िया है, लड़की है, उसकी अपनी गर्ल गर्ल वाली जो उसकी अपना सामान वगैरह रख दे लड़की वाली दो जो उसकी फ्रेंड है उससे लड़ाई ज्यादा होती है, लेकिन उसी के पीछे एक साइड वाले बेंच पे एक लड़का बैठा है वो भी फ्रेंड है उससे कम लड़ाई होती है, क्योंकि अभी आखिरी दो मिनट बचे हैं मेरा ख्याल। ओके, तो आज हम इतना ही कर लेते हैं। तो एक बात, लास्ट पॉइंट, अगर मैं इसकी जगह वुड लिखता, वुड इज ए गुड नॉट ए गुड कंडक्टर, वुड इज एन इंसुलेटर, तो उसका आंसर क्या लिखोगे? बिकॉज लेस इन नंबर एंड नॉट फ्री टू मूव एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री की जगह क्या लिखोगे? बाउंड इलेक्ट्रॉन। जितने बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया वो दोनों हाथ वेव करके दिखाओ, शाबाश आज का लेक्चर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू वेरी मच टू द टीचर्स आल्सो, आपके बिना मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता था, इतने टीचर्स ने मेरा कोऑपरेट करा। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे आगे, ओके बच्चे? थैंक यू सर। गुड।